हेलो गाइस, अब वक्त आ गया है कि हम आपको अब तक का सबसे अच्छा फील्ड रशन दिखाने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हमने वादा किया था, हमें पिछली वीडियो में छोटे वाले के जैसे फायरवुड के बिना एक चूल्हा बनाने की कोशिश करने के लिए 30 किलोग्राम ओक लॉग मिला। इस बड़े लॉग के मुकाबले वो लकड़ी का टुकड़ा बहुत छोटा है, जिससे हमारा आखिरी चूल्हा बना था। पिछली बार हमने एक आम ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार हमें यकीन है कि ये इतना ज्यादा काम का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने ये सुपर पेशेवर ड्रिल बिट खरीदा है। इसके सिरे पर एक थ्रेड और नुकीले कांटे लगे होते हैं। यहाँ थ्रेड की जरूरत है ताकि ड्रिल लकड़ी में एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू की तरह घुस सके और काटने वाले किनारे और लकड़ी के बीच सबसे मजबूत जोड़ बनाए। चलिए इसे लगाकर आजमाते हैं। ओह, ये काम नहीं कर रहा है। थ्रेड ड्रिल को इतनी तेजी से और कड़ी मेहनत से लकड़ी में धकेल रहा है कि बिना तार वाला ये ड्रिल इसको चलाने के लिए काफी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने एक पुरानी इलेक्ट्रिक ड्रिल ली और उसके साथ ही हम काम जारी रख पाए। जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि ड्रिल उतनी लंबी नहीं थी, तो हमने इनमें से दो एक्सटेंशन लगाए और ड्रिलिंग जारी रखी। आखिर में जाहिर है कि हमने इस छेद को ड्रिल कर लिया, लेकिन बहुत कोशिश और भारी भार के साथ। इस काम के खत्म होने के साथ ही बड़ी ड्रिल बिट का जोड़ टूट गया और कनेक्टर का सिरा टूटकर दूसरे कनेक्टर में रह गया। शुक्र है ड्रिल अभी भी काम करती है। और इस मामले में सिर्फ ड्रिल की पावर की बात नहीं है, ये भी है कि हमें इतनी बड़ी लकड़ी के बीच एक छेद बनाना है, और ये बेहद मुश्किल काम था। सबूत के तौर पर देखें कि लकड़ी के रेशों में छेद करना कितना आसान है। जब हम लगभग दूसरे छेद के आखिर तक पहुंचे, तो बाकी कनेक्टर भी टूट गए और ये पहले से ही बस थोड़ा सा जुड़ा हुआ बचा है। उम्मीद है कि ये छेद चूल्हे को चलाने के लिए काफी होगा। चूल्हे को जलाने के लिए हमें कुछ लकड़ी के टुकड़े चाहिए, जिन्हें हम उस कुल्हाड़ी से तैयार करेंगे जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में से एक में सही किया था। हमने सब कुछ अंदर रखकर आग लगा दी, इसे गर्म होने दिया और इस बीच हम खाने पर आते हैं। हम इसका मजा लेने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। चलिए बर्तनों और छोटे पैकेटों से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास तीन नैपकिन, दो टी बैग, चीनी, कॉफी के तीन पैकेट, नमक, काली मिर्च और च्युइंगम है। इसके अलावा दो चम्मच हैं जो काफी टिकाऊ हैं और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने हैं, जो पर्यावरण को खराब नहीं करते हैं। इसके बाद एक फैंसी टूथब्रश आता है, जिसके ब्रिसल्स पर टूथपेस्ट जैसी बनावट के हैं। तो चलिए नाश्ता शुरू करते हैं। हमने मेन डिश को एक बड़े बैग में खोला, जिसमें थोड़ा आटा है। क्या हमें इससे खुद से बंस बनाने होंगे? लेकिन पता ये चला कि हमें बस बैग के अंदर गर्म पानी डालना है और इसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ देना है। हमने फिर से इसे खोला और हमें ये टेस्टी और गाढ़ी दूध वाली दलिया मिल गई। ये बहुत टेस्टी है और इसमें कुछ चीनी भी पड़ी है। अगले बैग में अजीब चीजें हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। ये सूखे मेवे वाली किसी तरह की परी है, जिसे हम कैंडी की तरह खा सकते हैं या सिर्फ इस दलिया में डालकर और भी टेस्टी डिश बना सकते हैं। अगले बैग में लिखे हुए के मुताबिक टमाटर का सूप है। हाँ, और इसका रंग भी टमाटर जैसा दिखता है। हमने गर्म पानी डाला और ऊपर छोटे छोटे रोल आ गए। ये मैक्रोनी होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा सूप नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा दलिया के बाद हमें इसकी और ज्यादा जरूरत नहीं है। अगले पैकेज में यहाँ हमारे पास काका शब्द लिखा हुआ एक दिलचस्प डिश है। इसके अंदर क्या हो सकता है? और यहाँ हमारे पास एक खुशबूदार नारंगी स्पंज केक है और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पड़ोस के सभी कुत्ते बाड़ के नीचे से भाग आएंगे। इस राशन के बनने के एक साल बाद भी ये इतना तरोताजा कैसे दिख रहा है? इसके बाद हमारे पास खोलने की एक आसान पट्टी वाला ये मीठा खुबानी जैम है। हमें ऐसी पहले से सोची हुई छोटी चीजें पसंद हैं, साथ ही बैग से निकलने वाली चीज जिन्हें आप चम्मच से खा सकते हैं, या अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो स्पंज केक पर लगा सकते हैं। ऐसे रंगीन वैक्यूम पैक में मेवो का एक छोटा सा ढेर भी है। वैसे हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के मेवे हैं,
ये मूंगफली की तरह दिख रहे हैं लेकिन थोड़े मुड़े हुए हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में नाम लिखें। इसके बाद हमारे पास दो तरफा प्रोटीन बार है। दोनों तरफ का एक अलग टेस्ट है, दोनों ही टेस्टी है, लेकिन हमें लाल वाला ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन इतना ही नहीं, नाश्ते के लिए फ्रूट परी की एक ट्यूब भी है जो बहुत प्यारी और ताजा है। हम नहीं जानते कि वो इसे कैसे रखते हैं कि ये खराब नहीं होता। आप इसे तमाम तरह की चीजों या दलियों में मिला सकते हैं या बस इसे ट्यूब से निकालकर खा सकते हैं। चलिए नाश्ते में कुछ पीते हैं। खुशबूदार और मीठा कोको एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर ये भी आपके लिए काफी नहीं है तो आप अपने लिए चमकीले गुलाबी रंग और टेस्टी स्वाद वाले पाउडर से इतना मीठा ड्रिंक बना सकते हैं। नाश्ता बहुत तरह तरह का और पौष्टिक है, दलिया, मिठाई, सूप और यहाँ तक कि दो ड्रिंक्स भी। और हमने चाय और कॉफी भी नहीं बनाई जो नाश्ते के लिए ली जाती है। देखिए हमारे पास दोपहर के खाने के लिए क्या है। इस रंगीन सामान वाला ये एक बड़ा पैकेट है और इन सब के बीच हमें चिकन के मांस का ये टुकड़ा मिला। ये आम चिकन नहीं है बल्कि एक लियोफ्लाइज्ड है। ये बहुत हल्का है, स्टायरोफोम के टुकड़े की तरह, और बहुत नाजुक है। हम इसे अपनी उंगलियों से तोड़कर चूर्ण बना सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो ये तुरंत उसे सोख लेता है और चिकन के मांस की तरह सख्त टुकड़ों में बदल जाता है। ऐसा मांस जीरो से कम टेम्परेचर पर जमने और सुखाने से बनता है। हमने इस जादुई घोल में थोड़ा पानी डाला और इसे पकने के लिए बंद कर दिया। इस बीच हम अगले पैकेज को देखते हैं। अंदर हम ब्रेड के दो टुकड़े देख सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि बीच के स्लाइस किसे मिले होंगे। इसके बाद हम खूबसूरत लाल पैकेज खोलते हैं। अंदर कई तरह के अनाज और बीजों से बने रस्क हैं। ये जरूर बहुत टेस्टी, मीठे और हेल्दी होंगे। ये रस्क इस तरह के चॉकलेट बटर के साथ आते हैं और क्योंकि बाहर 0 डिग्री के करीब टेम्परेचर है इसलिए ये बहुत सख्त हो गया है। हमने इसे अपने स्टोव के पास रखा और कुछ मिनटों के बाद ये पिघल गया और नरम हो गया। चलिए इसे निचोड़ते हैं। ये हमें किसी चीज की याद दिलाता है लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि किस चीज की। हमें मेवे वाला एक टेस्टी ब्राउन सैंडविच मिल गया। ये एक पौष्टिक बार के साथ आता है जिसमें कैरमल के साथ मिलाए गए कुरकुरे फ्लेक्स होते हैं। डेनमार्क सच में अपने सैनिकों की परवाह करता है। हम इसकी सेना में सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा ताकत और विटामिन के लिए बहुत सारे किशमिश हैं और एक और सूप है लेकिन दूसरे स्वाद के साथ। सोचिए कितना अच्छा होगा अगर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट हर छात्र को ऐसा राशन दे। क्या आपको ये सोच पसंद आई? हमें कमेंट्स में बताएं। शायद राष्ट्रपति इतने लोगों की कमेंट्स देखेंगे और स्कूल के लिए राशन बनवाएंगे। हमने दोपहर का खाना खोला और पास्ता, हरी मटर और चिकन के साथ वाला एक गाढ़ा, पौष्टिक और टेस्टी सूप पाया। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप अपनी रोटी पर या सूप में कुछ मसालेदार सॉस डाल सकते हैं। इसके साथ के लिए हमारे पास इस तरह के जर्की हैं। चलिए संतरे का ड्रिंक बनाने के लिए थोड़ा पानी डालते हैं और हमारा लंच तैयार है। देखिए कितना सामान है, सब कुछ कितनी तरह का और बहुत टेस्टी है। इससे आप भूखे नहीं रहेंगे। रात के खाने के लिए हमारे पास फिर से कुछ पाउडर है। क्या ये फिर से दलिया होगा? हमारा चूल्हा हमें इसका पता लगाने में मदद करेगा। हम मेन डिश के लिए पानी गर्म करने जा रहे हैं। हमने इन तीन पत्थरों को छेद के चारों ओर रख दिया और उनके ऊपर बर्तन रख दिया। चलिए देखें कि ये कितनी तेजी से उबलता है। इस बीच डार्क चॉकलेट का एक छोटा बार खोलते हैं। ये थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन हम इसे ठीक कर देंगे। क्या आप चिकन के कुछ टुकड़ों में ढके मसाले खाना चाहेंगे? बेशक। फ्रूट जैम हमारे काम आएगा भले ही हम अभी डिनर कर रहे हो। हमारे पास कुछ गर्म पानी से बनी हॉट चॉकलेट भी है। तब तक पानी पूरी तरह से उबल चुका है, चूल्हा अच्छा काम कर रहा है। अब देखना यह है कि यह कब तक जलता है। इस बार हम इस घोल को सीधे बर्तन में डालेंगे और इसे चलाएंगे। और रुकिए, ये दलिया बिल्कुल नहीं है, ये कुछ जड़ी बूटियों और मांस के टुकड़ों के साथ मसला हुआ आलू है। वाह, हमें मसले हुए आलू बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी गर्मा गर्म सॉस भी डाल सकते हैं। और रात का खाना तैयार है।
दानी सेना के पास कितना बड़ा टेस्टी और तरह तरह के खाने वाला राशन है, इतने सारे डिश और खाने की चीजें, और ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ड्रिंक्स भी हैं, और हमने अभी तक चाय और कॉफी बनाई ही नहीं है। शाम हो चुकी है और हमने अपने चूल्हे को बंद कर दिया ताकि हम सुबह एक्सपेरिमेंट जारी रख सके। रात में बर्फबारी हो गई। किस्मत अच्छी थी कि हमने उसे कचरे के थैले से ढक दिया था। इसे तेजी से जलाने के लिए हमने एक पावर बैंक और इस तरह के एक पंखे का इस्तेमाल किया। ये एक अच्छा आइडिया था क्योंकि इस मामले में हवा की तेजी ने बहुत मदद की, लेकिन इसके साथ ही ये एक बुरा आइडिया बन गया क्योंकि गर्मी ने ब्लेड को थोड़ा पिघला दिया और इसके साथ फिर ये हुआ। चलिए पंखे को अलविदा कहते हैं। कुल मिलाकर हमारा चूल्हा 5 घंटे से ज्यादा चला, लेकिन कभी कभी आग धीरे धीरे कमजोर होती जाती थी, इसीलिए हमें इसे थोड़ी हवा देनी पड़ती थी। शायद स्टोर के इस वर्जन में कुछ सुधार करने की जरूरत है, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा काम करता है और काम पूरा कर देता है। अगर आपने पहले नहीं देखा तो हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।